जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के धरने में कल रात जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि धरना दे रहे पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई भी हुई है। इतना ही नहीं, पहलवानों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस हाथापाई में कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर पर चोटें भी आईं। बुधवार रात को हुई घटना के बाद विनेश फोगाट ने ऐलान किया है कि पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हुए सभी मेडल लौटाएंगे। बताया जा रहा है कि रात 11 बजे जंतर मंतर पर यह हाथापाई हुई है। इसके पीछे मुख्य वजह फोल्डिंग बेड थी। दरअसल बारिश के चलते गद्दे गीले हो गए थे, ऐसे में धरना स्थल पर फोल्डिंग बेड लाए जा रहे थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें ये करने से रोका तब पूरा बवाल शुरू हुआ। पहलवानों के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और महिला पहलवानों से भी दुर्व्यवहार किया। विनेश फोगाट मीडिया से बात करते वक्त रो पड़ी। उन्होंने कहा, अगर वे हमें मारना चाहते हैं तो मार दे। इतने कांड कर रहा है, वो घर में सो रहा है बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हैं, वो लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो सो जाओ मर जाओ। मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहे हैं चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर बेड लेकर पहुंचे थे। ये बेसिकली ये जो जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट है उसमें ये सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। उसमें कुछ जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स के सपोर्टर्स हैं वो बैरिकेड पर आ गए और बेड्स लेने की निकालने की कोशिश की। उसमें थोड़ा गुथम गुथा, थोड़ा ऑल्टरकेशन टाइप हो गया और यही मसला है। वहीं बजरंग पुनिया ने दावा किया है कि हमने बेड का ऑर्डर नहीं दिया था, हम उन्हें अंदर ला रहे थे जिस समय हाथापाई शुरू हुई। विनेश फोगाट का कहना है कि पुलिसकर्मियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और धक्का मुक्की की। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। वहीं बजरंग पुनिया की पत्नी संगीता फोगाट ने दावा किया है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस सब के बाद विनेश फोगाट ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। अभी हम खाना भी नहीं खा रहे थे, सब लोग बैठे ही थे, ना धो के आए थे। जैसे ही आए तो हमारे फट्टे आ रखे हैं सोने के लिए। आप अंदर जाके देख लेना, पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, लेडी महिला लेडी पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। तो फिर हम उनको बोलने लगे। डिप्टी कमिश्नर प्रणब दयाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती फोल्डिंग बेड लेकर पहुंचे थे। सोमनाथ भारती ने इसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली थी। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा है कि मैंने पहलवानों का साथ दिया, इसलिए पुलिस ने मुझे पूरी रात डिटेन करके रखा हुआ है। दोस्तों, मैं सोमनाथ भारती इस वक्त हूँ कापसेड़ा थाने में, पूरी रात इसी प्रकार से बैठा हुआ हूँ क्योंकि भाजपा शासित दिल्ली पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया सिर्फ इस जुर्म में कि जो वुमन रेसलर्स जंतर मंतर पे 10 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं उनका मैंने साथ दे दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, गलत किया, जिसके कारण वुमन रेसलर्स को अनशन में बैठना पड़ा, फाइनली उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, फिर जाके 2 FIR दर्ज हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो खुलेआम अब आज इंटरव्यू दे रहा है, बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है। दिल्ली पुलिस के पास ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसे अरेस्ट कर सके। पॉक्सो के अंतर्गत FIR दर्ज हुआ है, उसको अरेस्ट नहीं करना है। बच्चियों ने जो देश के लिए मेडल लेके आई, जिनके साथ माननीय मोदी जी ने फोटो खिंचवाई, अपने को उस वक्त बड़ा ऊंचा दिखाने का प्रयत्न किया। कल सारा दिन कल बारिश जो हुआ उसमें कीचड़ कीचड़ भर गया था और उसके कारण वो नहीं बैठने की जगह थी, वो उन्होंने बेड मांग लिया। वो बेड क्या वहां पहुंचा कि दिल्ली पुलिस तो लगा जैसे कि वहां वॉर हो गया। क्या धक्का मुक्की और क्या गालियां और किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है, वीडियो तो हर जगह चल रहा है, देखिएगा तो आप भी समझदार हो जाएंगे।
जहां कहीं भी आप हो, इन बच्चियों के साथ न्याय हो, देश के साथ न्याय हो, देश की आन बान शान है ये बच्चियां, इसके लिए जरूर आप प्रयत्न करें। मैं सारी रात बैठा रहा हूं, हमारे साथ नरेश यादव जी यहाँ के विधायक हैं, वो भी बैठे रहे हैं, मेरी काउंसलर सरिता फोगाट, कमल भारद्वाज सभी बैठे रहे हैं, और हमारे वॉलंटियर्स प्रवीण पॉल, राजेश, सभी ऋषि सब बैठे हुए हैं यहाँ। सबको परमात्मा ताकत दे, इस लड़ाई में हम उनके साथ रहेंगे जब तक उनको न्याय मिल जाए। जय हिंद।